मुझे लगा था शायद तुम नहीं आओगे। बैठो। तुम यहां बॉस के रूम में क्या कर रहे हो? ये मेरा ही ऑफिस है। बनती है हैरानी तो बनती है जब मेरे जैसा कलाश इंसान जिसका अकाउंट उसकी किस्मत की तरह बिल्कुल खाली हो उसको इतनी बड़ी पोस्ट बन जाए तो हैरानी तो बनती है। अब लगता है रिजाइन करना पड़े क्योंकि तुम अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुझे रोज ही अपने सामने बुलाओगे जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तूने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है सारा कि मैं तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाऊंगा? फायदे का तो पता नहीं हाँ लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा चुके हो पहले भी लेकिन अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही होता है। तुम जैसे बेवफा इंसान को मेरी जिंदगी से निकाल कर अली जैसे केयरिंग शोहर को मेरा हमसफर बनाकर मेरे रब ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया क्योंकि आंसू देने वाले से आंसू पोंछने वाला कई ज्यादा बेहतर होता है। मजबूरी ना होती तो अभी रिजाइन कर देती। मेरी वजह से रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तुम रही बात मेरी कोशिश करूंगा कि आइंदा हमारा आमना सामना ना हो। अभी इसलिए बुलाया था कि तुम्हें जॉब करते हुए देखा तो परेशान हो गई। परेशानी कैसी? फिक्र करने जैसा ताल्लुक तो तुम तोड़ गए थे जाते हुए। हर उस टूटे हुए रिश्ते पर अरसा हुआ फातिहा पढ़ चुकी हूं।